तो गाइस अगर आप भी डालते हैं फेसबुक के पेज के ऊपर या प्रोफाइल के ऊपर रील्स, तो अभी तक का आपके पास में एक ही ऑप्शन होता था, वो था आपके अपने मोबाइल के जरिए, यानी कि आपके पास मोबाइल है तो ही आप रील्स को अपलोड कर सकते थे अपने फेसबुक के पेज या प्रोफाइल पे। बट अब इसको अपडेट कर दिया गया है, अब आप बहुत ही आसानी से आप जो है अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनसे भी आप अपने पेज के ऊपर आसानी से रील्स को अपलोड कर सकते हैं। अब रील्स में भी आपका लॉन्ग वीडियो से ले सकते हैं, या साथ ही साथ अपने पर्टिकुलर कोई अगर ऐसे लैंड पोर्ट्रेट में अगर आपने कोई रील्स के लिए वीडियो बनाया है तो डेफिनेटली आप उसको भी उस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक लंबी वीडियो से लेना है या कैसी वीडियो से लेना है। कोई स्पेसिफिक वीडियो आपने बनाई है, वेल एंड गुड है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो कैसे और किस तरीके से करना। और साथ ही हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो उन लोगों के लिए जो लोग मोबाइल के ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है, तो डायरेक्टली वो जो है अब यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी आसानी से अपलोड कर पाएंगे। ये फीचर सभी कुछ लोगों को मिला है और डेफिनेटली बहुत जल्दी ये सबके लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से ये काम करेगा, और अगर क्या हमें क्रॉप का सेक्शन मिलेगा, सब कुछ लिखने का ऑप्शन मिलेगा, एग्जैक्टली क्या होने वाला है सब कुछ डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे एक पेज मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन कर लिया है। और आप देखोगे ये पेज यहाँ पे अभी फुली मोनेटाइज नहीं है, थोड़ा बहुत मोनेटाइज है अभी, जिसके अंदर स्टार्स है और भी कई टूल्स हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देखिए रहा है क्रिएट रील्स, देखिए यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है, पहले ये ऑप्शन नहीं था, यहाँ भी ये ऑप्शन मिल रहा है, पहले यहाँ पर सिर्फ ओनली अपलोड वीडियो और यहाँ पर गो लाइव था। अच्छा, अभी एक डाउट हो रहा होगा कि क्या ये सब पेज के ऊपर है, तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कोई और पेज भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये पेज चेंज करता हूँ, ये वाला, अगर आपको मैं यहाँ पे ये पेज चेंज करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर देखो यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन देखो यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा दूसरा पेज भी चेंज करते हैं आप यहाँ पर देखो इसको, इस वाले पेज के, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहा, तो कई जगह पर दिख रहा है, कई जगह पे नहीं दिख रहा है, तो मे बी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जस्ट मैं आता हूँ दोबारा उस पेज के ऊपर जहाँ पे सब जगह पे शो कर रहा है, तो एक तो ये ऑप्शंस हैं और साथ ही आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे लिखा आता है क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला पेज था, वो ये नहीं है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए लिखा आ रहा है क्रिएट रील, यानी कि दोनों चीज़ें सेम है, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब मे भी कहीं आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो बट यहाँ पे दिख रहा हो, तो यानी कि अगर यहाँ पे भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखो ओपन का ऑप्शन आ गया, या इसके ऊपर क्लिक करते हो तो भी ऑप्शन ओपन का ऑप्शन आ गया, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से क्लिक कीजिए और मैं पर्टिकुलर कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वीडियो ले लेते हैं हम यहाँ से। जैसे मैंने एक वीडियो लिया तो हालांकि ये वीडियो लैंडस्केप में, तो आप देखोगे इस तरीके से ये वीडियो ऐसे आई है, और साथ ही यहाँ पे ये वीडियो अभी अपलोड हो रही है, आप नोटिस करेंगे ये रहा पूरा, इसका आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ भी दिख रहा है 1920x1080, जिसकी वजह से ये पूरा लैंडस्केप में आ रहा है। और अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जस्ट इसको आगे करना है नेक्स्ट, और जैसे ही आप नेक्स्ट करते तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे, देखो वो ऐसा रिकमेंड ना करके वो साफ यहाँ पर मना भी कर रहा है कि भैया आप एक काम करो ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे बोलता है कि भाई एडजस्ट द लेआउट एंड साइज ऑफ योर वीडियोस, ओरिजिनल तो ये है और जो रिकमेंड कर रहा है आप इसके ऊपर कीजिए, तो वो इसके ऊपर आप वो बता रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है जब वो पूरा अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये बात ध्यान रहे कि आपको भी यही चीज़ करना है बिल्कुल भी, कि आपको जो है देखो ऐसे वाले केस में लोग वीडियोज़ आपकी ज़्यादा नहीं देखेंगे, बहुत थोड़ा बहुत जिन लोगों ने देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, बट आप प्रॉपर ऐसे लैंडस्केप में बनाएंगे, सॉरी पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो पूरा फुल स्क्रीन आता है मोबाइल के ऊपर, जिससे कि लोगों को ईजिली समझने में भी आसानी होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी एक बार ये वीडियो अपलोड हो जाए और साथ ही इसके बाद आपको पहले तो अपलोड हो जाए ऑलमोस्ट 50% हो गया, आपको यहाँ पे ऑप्शन और देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे ट्रिम का, देखिए एडिट योर वीडियो टू अंडर 60 सेकेंड, यानी आप 60 सेकेंड के अंदर यहाँ पे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करते हो, यहाँ पे आपके पास में टूल्स आ जाएगा, देखिए ये रहा, साथ ही जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये 5 मिनट 59 सेकंड की वीडियो है, देखिए ये रहा, राइट, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप 60 सेकंड की वीडियो आप यहाँ से क्लिप कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, देखो ये रहा। और जब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके पास में यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी दिखता है, यानी कि टाइमर दिखता है,
कि कितना परसेंट कितना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 53 और साथ ही हो गया 59, तो 59 सेकंड का आप यहाँ पे क्लिप ले सकते हो। कहीं पे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो अपनी पूरी वीडियो के किसी भी पार्ट में, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे इसको आप मूव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो इतना मुझे मूव करना है और उसके बाद आपको जूम कितना करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस ये करने के बाद अप्लाई कर दोगे, तो अप्लाई करोगे तो ये वीडियो कट जाएगी उतनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे जो रिकमेंडेशन था वो यहाँ पे 100% अपलोड हो गया, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन देखने को मिल गया। इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा आ रहा है कि लोडिंग, और साथ ही लिखा रहा है कि रीफ्रेमिंग 9:9:16, और उसके बाद दिस मे बी टेक मोमेंट, यानी कि भैया ये जो है थोड़ा सा वक्त ले सकता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ये अभी उसको कट करेगा, फिर प्रॉपर उस फॉर्मेट के अंदर उसको सेट करेगा ना, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी लंबी वीडियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, 60 सेकंड की वीडियो ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जो ईजिली इस तरीके से भी आप किसी एक बड़ी वीडियो से, जैसे आप लैंडस्केप वाली वीडियो से भी आप ट्रिम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये रीफ्रेमिंग हो रहा है क्योंकि वो पूरा का पूरा जूम है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये दिख रहा है। एक तो आपको ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, तो रिकमेंड ये करता है कि आप इस वाले सेक्शन को लेकर चलिए। तो एक बार ये वाला कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद इसको आगे करते हैं। और ट्रिम का आपको ऑप्शन मैंने बता दिया कि ट्रिम कैसे करना है, कि आप पर्टिकुलर पूरे 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो से कोई भी एक छोटा सा पार्ट, जो आपका 1 मिनट का पार्ट आप यूज़ करना चाहते हो, वो ईजिली बस ट्रिम करो और उसको कट कर दो। साथ ही यहाँ पे अब आप नेक्स्ट देखोगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट के टाइम पे सिंपल वही तरीका कि भाई आप यहाँ से पब्लिश शेड्यूल, रिसेप ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और ये इंट्रोड्यूसिंग रीमिक्स के बारे में बता रहा है, और रीमिक्स आप जानते ही हैं। अच्छा, रीमिक्स का यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि ये देखो यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हो ये। अब ये क्या काम करेगा, जैसे आपको पता है कि भाई बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, किसी सामने वाले क्रिएटर की वीडियोज़ को लेकर सामने वो रीमिक्स कर देते हैं कि भाई जैसे वो बोल रहा होता है, जैसे वो एक्टिंग कर रहा होता है उसी तरीके से वो दूसरा बंदा भी एक्टिंग कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रील्स के ऊपर कोई रीमिक्स बनाए, यानी कि कोई आपके जैसा ही वहाँ पे एक्टिविटी करे, जैसे मान लो कोई डांस कर रहा है या कोई फनी मोमेंट्स कर रहा है, तो अगर कोई बंदा उसको देख कर खुद करना चाहे तो वो आपकी वीडियो पर कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आप यहाँ पर उसको ऑप्शन दे सकते हो, ये अलाउ रीमिक्स और नॉट। यहाँ पे देखोगे ये अभी ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, जिसमें लिखा रहा है लेट एनीवन रीमिक्स योर रील्स, पीपल कैन क्रिएट टू क्रिएट अ रील्स दैट प्ले योर वीडियो विद देयर। तो यानी गाइस आपकी वीडियो के आपकी जो रील्स है उस पर आसानी से वो जो है रीमिक्स कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इसको आप यूज़ कीजिए, नहीं करना है तो उसको आप डिनाई कीजिए, सिंपल से इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे आप ऑफ़ कर देंगे तो आपका ये रीमिक्स वाला सेक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, यानी जब भी कोई क्रिएटर उस पर रीमिक्स करने जाएगा उसको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से और कैसे आपको जो है अपने रील्स को अपलोड कर सकते हैं आप अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप मोड से। तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, और साथ ही अब आप यहाँ पे समझिए कि आप देखो इस मोड से भी सेम कर सकते हैं और आप यहाँ से भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो अब आपको देखना ये है कि आपको ये ऑप्शन देखने को मिला या नहीं मिला, वो सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आप बताओ कि आपको ये फीचर्स मिला, अपडेट मिल गया या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में बताओ अपने राय कि क्या है, आपको ये ऑप्शन मिला। अच्छा, एक और चीज़ सबसे मेन बात कि अपना भैया पेज वगैरह अपडेट कर लो, यानी कि अपनी एप्लीकेशन वगैरह अपलोड कर लो, जिससे कि आपको फेसबुक की नए नए सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।